देखो आज ये हमारे पास सैमसंग B310, जिसमें कि चार्जिंग स्टोर नहीं हो पा रही है, और आप देख पा रहे हैं इसकी चार्जिंग आईसी के बराबर से जो रिस्टेंस है, ये वाटर डैमेज फ़ोन है, और जिसमें कि इसकी रिस्टेंस गल चुकी है, लेकिन ये फ़ोन हमारा चार्जिंग शो कर रहा है, बैटरी स्टोर नहीं हो पा रही है। चलिए चेक करते हैं कि चार्जिंग जैक मैं इसका चेंज कर चुका हूँ, चार्जिंग जैक शायद की चार्जिंग जैक की वजह से प्रॉब्लम हो। चार्जिंग जैक ने न्यू लगा दिया इस पर। अब उसके बाद चेक करते हैं कि आखिर हमारा फ़ोन कितने वोल्टेज शो कर रहा है और क्या है, क्या दिक्कत है। तो इसकी आईसी ना चेंज करते हुए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताऊँगा मैं। चलिए पहले चार्जिंग प्लग इन करते हैं इसके अंदर, और फिर इसके जो है कि कितने वोल्टेज निकाल लिया वो चेक करते हैं। मात्र 1.5 वोल्ट निकाल लिया हमारा फ़ोन। और चार्जिंग जैक के आउटपुट पे चेक करते हैं, वहाँ देखो 5 वोल्ट, यानी प्रॉपर सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट निकाल लिया है, जबकि हमारे फ़ोन को जो है 4 वोल्ट मैक्सिमम निकालने चाहिए चार्जिंग पे। ये जो हमारा डायग्राम है चार्जिंग आईसी के बराबर से, ये कंप्लीट चार्जिंग आईसी तो हमारी ठीक है, लेकिन ये जो इसके बराबर डायग्राम है, जो रिस्टेंस है, वो सारी डैमेज हो चुकी हैं पानी जाने की वजह से, यानी वाटर जाने की वजह से सारी डैमेज हो चुकी हैं। चलिए आईसी चेंज ना करते हुए, देखो वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं, और इसकी आईसी चेंज ना करते हुए बैटरी लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये हमारा फ़ोन चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चार्जिंग शो बाकायदा कर रहा है फ़ोन, देखिए चार्जिंग सो बराबर कर रहा है फ़ोन, और इसकी आईसी चेंज ना करते हुए, क्यों आईसी छेड़ने में समस्या हो सकती है, क्यों वाटर डैमेज फ़ोन है, दिक्कत बढ़ सकती है फ़ोन के अंदर, तो हमें इसकी आईसी चेंज नहीं करनी है। मैं एक बहुत ही सिंपल सा और आसानी सा तरीका आप लोगों को बतलाऊँगा कि बड़ी आसानी के साथ हमारी बैटरी भी, चार्जिंग भी स्टोर होने लगेगी फ़ोन में, और हमें कोई पार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक ही डाइवोल्ट जिनर लेना होता है। ये जिनर जो एक तरफ से इन करता है और दूसरी तरफ से आउट करता है, तो ये हमें लगाना है इसके अंदर। ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जियो के फ़ोन में, जियो एप 220 वगैरह, जियो के तो आल सारे मॉडलों में देखने को मिलता है, चार्जिंग जैक के पीछे बराबर से दिया होता है जस्ट ये। चलिए इसे लगाते हैं, और लगाने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, और इस फ़ोन के पीछे भी देखने को मिलता है हमें ये। तो ज़्यादा इसमें कहने मतलब जो है आईसी को ना छेड़ते हुए, और हमें इसी से काम चलाना होगा, क्योंकि अगर आईसी छेड़ते हैं फ़ोन में और दिक्कत ही बढ़ सकती है। चलिए चार्जिंग प्लग लगा के और इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज निकालता है। सेम आईसी की तरह ही वर्क करता है ये। पहले वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है, यानी 5.1 वोल्ट आ रहा है, और उसके बाद ही आउट कितने कर रहा है। आउट आप देख पा रहे होंगे, यानी 4.52 वोल्ट ये शो कर रहा है, और हमें कुछ करना नहीं है, यहीं से जम्पर लेके ये, और जो मैं जम्पर लगा के भी आपको चेक कराता हूँ आसानी के साथ। यहाँ से जम्पर लेंगे इसकी तरफ से, और ये हमें डस्ट जाके बैटरी कनेक्टर, यानी बैटरी कनेक्टर पे जाके प्लस वाले पॉइंट पे देना है। ये वायर छोटा पड़ सकता है, छोटा है वायर। चलिए इस वायर को हटा के रिमूव करके दूसरी वायर लगाते हैं इसमें। वायर मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, मैं नई वायर खोल रहा हूँ। इसे रिमूव करेंगे यहाँ से, और दूसरी वायर लगाने के बाद
वायर लग चुकी है हमारी। अब हमें इसे लॉन्ग करके थोड़ी सी बीच में से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद जस्ट डिस्प्ले के पीछे से लेके इसे, क्योंकि हाइड हो जाएगी, ज़्यादा दिखेगी भी नहीं और इससे कोई शॉर्ट सर्किट की भी समस्या नहीं रहेगी हमें। अगर पीछे से लेते हैं बोर्ड के तो सब में दिखेगी और शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस बढ़ जाता है। चलिए इसे हम डिस्प्ले के नीचे को लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद और यहाँ पे ये जो है एक होल दिया हुआ है छोटा सा कट, इसके पीछे को लेके और हमें यहाँ बैटरी के जो प्लस वाला पॉइंट है उस पर जो है सोल्डिंग कर देनी है। जो बाकी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसे हमें रिमूव कर देना है, कट कर देना है। और डिस्प्ले को सेट कर लेते हैं। चलिए ये ज़्यादा दिखेगी भी नहीं बस, और जो है ना ही हमारी शॉर्ट सर्किट का दिक्कत रहेगी फ़ोन के अंदर, वायर भी हमारी छुप जाएगी। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये क्या 4.33 वोल्ट निकाल रहा है हमारा फ़ोन, और हमें उम्मीद है कि अब हमारी चार्जिंग जो है स्टोर होने लगेगी, यानी बैटरी चार्ज होने लगेगी। ये बहुत ही सिंपल सा और आसानी सा तरीका है, जिसमें कि कहने मतलब जो है कि हमें ना ही तो आईसी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि डायग्राम उसका छिड़ा हुआ वाटर डैमेज है, छेड़ने में समस्या बढ़ सकती थी, और चार्जिंग शो भी प्रॉपर करेगा फ़ोन हमारा। चलिए देखो चार्जिंग शो कर चुका है फ़ोन और बैटरी भी अच्छी स्टोर करेगा। ये फ़ोन हमारा ठीक हो चुका है कंप्लीट। और भाई लोगों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 4.33 वोल्ट निकल रहा है कंप्लीट।